अलीराजपुर जिले में नर्मदा डूब प्रभावित क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने जिला मुख्यालय पर एकजुट होकर इस दौरान उन्होंने प्रशासन और डूब प्रभावितों के दर्द और परेशानी को अनदेखा करने का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि ना तो उनके खाने की व्यवस्था की गई और ना ही उनके रहने के लिए कोई जिम्मेदार साथ है। जिला मुख्यालय पहुंचे नर्मदा बचाओ समिति के सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लज्जा आती है। एक पूरा प्रदेश और आदिवासी क्षेत्र पानी में डूब रहा है। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी लेकिन प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मनाने में व्यस्त है। देश और प्रदेश के लोगों की उन्हें कोई चिंता नहीं, सिर्फ दिखावा करते हैं आदिवासियों के नाम पर। देखो हमारी मांग आज ही मांग कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं है। विगत 30 साल से हमारी बात ये सरकार को हम चेतावनी देते आए हैं कि जो सरदार सरोवर बन रहा है इसका सर्वे गलत हुआ है। आज तक उसका सर्वे ठीक से नहीं हो पाया है। हमें डूब से बाहर है ना, अंदर बाहर और पात्र अपात्र ये करके झूठे शपथ पत्र के आधार पर ये बांध बनाया गया है। और आज हमारा देश का, भारत का प्रधानमंत्री जी वहाँ पर अपना जन्मदिन खुशियों के साथ मना रहा है। और इधर हमारे आदिवासी समाज और गांव जो बसे हैं उसके घर पेड़ है ना और खेत फसल लहलाते हुए डूब रही है, वो नहीं उनको दिखाई दे रही है। तो हमारा आज ये कहना है कि ये जो बांध बना है वो गैर कानूनी के तरीके से बना है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए बना है। और जो खुशियां मना रहे हैं देश का प्रधानमंत्री, उनको शर्म आना चाहिए। आज हमारे आदिवासी समाज या जो भी हमारे मध्य प्रदेश के जो अतिवृष्टि के कारण लोग डूब रहे हैं या सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर में आ रहे हैं, उनका पुनर्वास नहीं हुआ है, उनको उनका अधिकार नहीं मिला है। इसलिए हम यहाँ पर उनको धिक्कारने के लिए और लोगों की वाजिब मांग और पुनर्वास के लिए यहाँ पर आए हैं। अलीराजपुर कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी सारी बिंदुओं पर जैसे भी शासन की तरफ से निर्देश आते हैं हम उस पर निराकरण करेंगे। वो डूब में आ रहे हैं जिसकी वजह से, क्योंकि सावधानी पूर्वक हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उसको बंद करना पड़ेगा। NVDA की भी इस बारे में भारत सरकार से भी बातचीत चल रही है कि क्या आगे का क्या शेड्यूल रहेगा उनके पानी छोड़ने का, और जैसे ही ऐसी स्थिति आती है कि हम उस लाइट को चालू कर सकें हम चालू करेंगे। फिलहाल उस तक अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है वो भी देखने के लिए मैंने बोला ज़रूर है। टॉर्चेस हमने भिजवा दिया है छोड़ना में, वो ज़रूर हम आपको गांव में उपलब्ध करा रहे हैं। जहाँ तक राहत कैंप का आप लोगों ने कहा, राहत कैंप एक्चुअली जो वहाँ पे जो राहत कैंप है उसके लिए सारी तैयारियाँ हैं। हमारा खाने का जो टेंडर्स वगैरह जो होना होता है, बिस्तर का, पलंग का, वो सभी चीज़ें हमारी रेडी है। अगर आप में से कोई भी कैंप में शिफ्ट होने के लिए इच्छुक है तो हमको आप एक दिन का समय दें तो हम वहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि राहत कैंप यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं है, चूँकि अभी तक हमारे जो प्रशासन के लोगों ने जो संपर्क किया किसी भी व्यक्ति ने स्पष्ट ये नहीं कहा कि हम कैंप में आना चाहते हैं, इसलिए वो कैंप चालू नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमको किसी भी दिन ये सूचना मिलती है कि पानी की वजह से किसी अन्य कारण से लोग वहाँ से शिफ्ट होकर के कैंप में रहना चाहते हैं तो हम उसको तुरंत चालू करें। वहीं नर्मदा बचाओ समिति सदस्यों और डूब प्रभावित और अन्य समाजजनों ने नगर के अंदर नगर भ्रमण कर केंद्र के सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और धरने के रूप में कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठकर प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को आवेदन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर न्यूज, अलीराज।